हाय गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो आज आप देख रहे हैं सुजुकी जिक्सर 250 का वॉकअराउंड शॉट। आप देख सकते हैं ये बाइक किस तरह से आपको लग रहा है, कमेंट करके बताना। बहुत मेरे हिसाब से ये बाइक बहुत ही बेस्ट लग रहा है जो कि सुजुकी जिक्सर 250 में आपको देखने को मिलता है। तो गाइस चलिए इसका पूरा व्यू आपको दिखाते हैं। गाइस आप देख सकते हैं इसका जो हेडलाइट है वो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है, जो LED में भरपूर दिया गया है। इसमें आपको ABS भी देखने को मिलता है। चलिए इसका वॉकअराउंड शॉट आपको दिखाते हैं, कुछ सिनेमैटिक शॉट भी दिखाते हैं। तो सिनेमैटिक शॉट दिखाने से पहले इसका फुल डिटेल्स में फाइनली बात करते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं सुजुकी जिक्सर जो ब्लू कलर में आपको देखने को मिलता है, बहुत ही बेस्ट बाइक है मेरे हिसाब से। ये 250 का मॉडल है। आप देख सकते हैं इसका लुक कुछ इस तरह से आपको दिख रहा होगा। गाइस चलिए इसका फुल डिटेल्स में फाइनली बात करते हैं। तो गाइस इसमें आपको 250 का ये CC का इसमें इंजन दिया गया है, जो कि इसमें मैक्सिमम पावर जो दिया गया वो 2600 BHP का इसमें मैक्सिमम पावर दिया गया है। और इसमें जो मैक्सिमम टॉर्क दिया गया वो 2260 Nm का इसमें मैक्सिमम टॉर्क दिया गया है। तो गाइस ये बहुत ही बेस्ट टॉर्क एंड पावर दिया गया है। आप सुजुकी का लोगो देख सकते हैं, बहुत ही बेस्ट लग रहा है मेरे हिसाब से। तो गाइस इसकी जहाँ तक वेट की बात करें तो ये आपको 156 किलो का वेट इसमें देखने को मिलता है गाइस। और इसमें आपको स्टिकर जो आप देखने को मिलता है वो पहले का स्टिकर की ही तरह आपको देखने को मिलता है, जो ब्लू कलर में सुजुकी जिक्सर आता था। तो चलिए इसका ABS के बारे में बात करते हैं। तो गाइस इसमें आपको डुअल चैनल ABS आपको देखने को मिलता है, जो कि बेस्ट है मेरे हिसाब से। तो आगे का लुक आप देख सकते हैं, बाकी ओवरव्यू व्यू आपको कैसे लग रहा है कमेंट करके बताना। तो गाइस इसकी ऑन रोड की कीमत की बात करें तो इसका ऑन रोड कीमत आपको 1,75,000 के लगभग पड़ जाएगा। ये सुजुकी शोरूम में उपलब्ध है, आप जाके वहाँ से परचेस कर सकते हैं। यही छोटा सा वीडियो है, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसे लेटेस्ट वीडियो मैं हमेशा आपके लिए लाता रहता हूं। तो चलिए इसका कुछ वॉकन शॉट दिखाते हैं, कुछ सिनेमैटिक शॉट भी आपको दिखाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिनेमैटिक शॉट।